जय भोले बाबा जी की भैया, बहुत बहुत थैंक यू, आपने कॉल उठाया, नहीं नहीं जब आपका बहुत कॉल आ रहा है, मुश्किल हो जाती। अच्छा नहीं नहीं जब आपका कॉल आ रहा है मैं दूसरी कॉल पे बिजी था, इसलिए फिर मैं का कॉल बैक करता हूँ आपसे। अच्छा मैं आपको बहुत अच्छे से फॉलो अप करती हूँ, मतलब पूरा आपका वीडियोस वगैरह सब देखती हूँ। जी मुझसे जी चूक हो गई, मुझे पता नहीं चला आप ये वो वाली जो यात्रा है ना अभी जो आपने की है, वो आप कैसे श्रीखंड करके आ गए वही वाली। हाँ, श्रीखंड महादेव की मुझे बहुत बहुत इच्छा थी जाने की। मेरे साथ उसके भी यही है, मैं अकेले पड़ जाती हूँ, घर में कोई रेडी नहीं होता है ऐसे पहाड़ों में चढ़ने के लिए साथ में। लिए, उसके लिए तो हमने बाबा अमरनाथ जी पे भी, बाबा जी चैनल पे भी काफी दिन से डाल रहे थे हम तो। हाँ, वो मैंने देखा नहीं एक्चुअली, लास्ट टाइम मैंने बहुत फॉलो अप किया था, फिर यात्रा कैंसिल हो गई थी, राइट तो राइट मैंने इस लास्ट बार ना अपना मनी वो मतलब दुख मनी बहुत दुखी हो गया था कि अरे यात्रा तो कैंसिल हो जाती है, नहीं नहीं अभी नहीं क्या जाऊँ नहीं कैसे जाऊँ करके। एक तो बारी को मान के नहीं, पिछली बार क्या होता, हम पंथा चौक में फंस गए थे बारिश के चक्कर में ना, इसलिए हाँ यात्रा कैंसिल हो गई थी। लेकिन हमने कह रहे हैं हाँ अगले साल प्लान करेंगे, और इस बार हमने बाबा हाँ अमरनाथ जी में प्लान करेंगे, फिर हमने रजिस्ट्रेशन कराया, फिर रजिस्ट्रेशन का वीडियो डाला, तो हमने कंप्लीट मैक्सिमम सारे वीडियो डाले थे। क्योंकि ना वही है, जब बुलावा आता है बाबा जी का और ग्रुप बन जाता है तो फिर हम भी निकल लेते हैं, है ना। वही तो, वो बहुत बड़ी बात है। अभी मैं आपको एक सुन रही थी भैया, आप किसी मतलब एक लेडी थी उनसे बात कर रहे थे, तो काफी कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए उसके बाद। जैसे मणि महेश में आप बोल रहे थे कि मणि के दर्शन होते हैं, तो आपको सही में हुए हैं क्या राधा अष्टमी के हाँ दिन हाँ मणि के दर्शन? मैं 6 बार ही गया हूँ, 6 बार हुए मैं मणि के दर्शन। अरे बाप रे, मेरा अभी बहुत मन कर रहा है, बट वही है मेरी छुट्टियों का प्रॉब्लम हो गया। और एक चीज पूछनी थी, ये जो आदि कैलाश यात्रा है आपने उसके बारे में कभी सोचा है क्या करने का? वो भी अभी आजकल तो नहीं बहुत जी, इजी हो गई है, मतलब वो सीधे अभी टैक्सी मैं से ही चले आपको जाते हैं। देखिए, अभी मैं आपको अपनी पूरी प्लानिंग दे देता हूँ, अपनी और अपने ग्रुप की। हमने जब हाँ श्रीखंड महादेव जी की यात्रा की, तो हमने वहां पे यही फैसला लिया कि हाँ सिर्फ यात्राएं करना, गिनती पूरी करने से फायदा नहीं है। तो हमने ये प्लान किया कि हम साल, 1 साल या 2 साल तक पूरी प्रैक्टिस करेंगे, अपना जो भी है वेट लूज करेंगे या सांस की जो प्रॉब्लम है किसी को, क्योंकि यात्रा करने का मजा जब है आप जब अपने पैरों पे जब जाके फिट फिट रहो। हाँ रहो बिल्कुल। और औरों की भी सेवा कर पाओ वहां पे। यात्रा तो कोई भी कर लेगा, आप गए घर से बैग उठा के और यात्रा करके आ गए, ये काम तो कोई भी कर लेगा। लेकिन हाँ, फिटनेस आपकी अच्छी है और औरों की आप हेल्प कर पा रहे हो तो वो बड़ी बात है। तो इस साल तो हम अभी कोई भी यात्रा नहीं करेंगे, बिल्कुल फिटनेस पे ध्यान देंगे सब कुछ अपना। और अच्छा अगले अच्छा साल से फिर देखो, अभी क्या है कि जितनी हाइट वाली यात्रा है, जैसे श्रीखंड महादेव जी हो गए, हाँ पिंडर हाँ कैलाश हो हाँ गया, हाँ है ना, ऐसी यात्राएं पहले करेंगे। कैलाश मान, ये आदि कैलाश तो अब ऑन रोड हो गई है, गाड़ी जाती है हाँ सामने हाँ से दर्शन हो जाते हैं, और आने वाले टाइम में वो रोड पक्का हो जाएगा तो और आसानी हो जाएगी। अब जो कच्चा रोड है ना, यात्राएं तो कभी भी हो जाएंगी। अभी हमारा बस पहाड़ों की यात्राओं का प्लान है। हाँ वही है, वही मेरा भी यही सपना है कि एटलीस्ट श्रीखंड महादेव, किन्नौर कैलाश और ये जो अपना मणिमहेश कैलाश है उनके दर्शन हो जाए, बहुत बस बड़ी बात है। बस बस, तो हमारे ग्रुप में भी अभी श्रीखंड महादेव के भी अभी कुछ ही परसेंट कर पाए, मतलब 20% लोग कर पाए हैं। तो हो सकता है हाँ अगले साल या वाह। उससे अगले साल जो हमारा फीमेल वाला ग्रुप है उसमें भी काफी लड़कियां रह गई हैं दर्शन के लिए, तो अगले साल में ग्रुप बनेगा तो जाने का प्लान दोबारा करेंगे जैसे बाबा जी बुलाएंगे, है ना। बिल्कुल भैया, मुझे एक चीज और आपसे ये पूछनी थी, वो आपका अपडेट तो मुझे मिलता ही रहता है। अभी आपने बोला है कि ये श्री का ये मणि महेश का जब आप करेंगे तो वो उसमें डालेंगे ग्रुप में, हाँ जी हाँ तो वो जी तो मुझे पता चल जाएगा, मैं रेगुलर आपको सुनती हूँ, आपको पता वो नहीं हो, साल भर मुझे पता चलता रहता है कि। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे अभी आपने अपना जॉब छोड़ के मतलब पूरा ये डेडिकेटली ही दे दिया है, तो एनजीओ वगैरह कुछ ओपन करेंगे आप, या फिर उसमें मैं अगर जुड़ना चाहूँ कि मेरे एनजीओ तरफ से भी कुछ सहयोग हो जाए, तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल होंगी? जी, एनजीओ हमारा पिछले 10 साल से ओपन ही है। एनजीओ हमने जय भोले बाबा जी की सेवा समिति जो है ना, जो बाबा अमरनाथ जी अच्छा की यात्रा करवाती है, वो हमने एनजीओ हाँ बना हाँ रखी है और उसी अच्छा के अच्छा काम और उसी के थ्रू हम सारी यात्राएं करते हैं। तो उसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो उसकी 100 रुपये फीस है पर लाइफ टाइम के लिए। हाँ मैं हाँ उसके लिए रेडी हूँ, आप मुझे जोड़ ही तो दीजिए। और अगर कुछ ऐसा काम है जो आप लोग वहाँ करते हो, देखिए मैं आ तो नहीं सकती क्योंकि ऑब्वियसली अगर पैसे नहीं होंगे तो फिर वहाँ आपको कुछ हेल्प भी नहीं कर पाऊंगी, नहीं नहीं हर ऐसे कुछ चीज नहीं वो है, रहता है, आप तो कहाँ से आने बात का मतलब करें, हर कहाँ समय, से मैं बात करें। एमपी से हूँ, एमपी हाँ से, तो देखिए, पैसों मध्य का, प्रदेश से। सेवा के लिए पैसों का कुछ लेना देना नहीं होता है, वो हाँ वो सही तो बात हाँ है, बट टाइम मतलब जिस तरीके से भी हर कोई जैसे भी सेवा कर सके, हाँ यहाँ से जी बैठे बैठे अगर आपकी कुछ सेवा हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वो मैं अभी सोचती हूँ। नहीं नहीं मतलब बिल्कुल जैसे भी हो सके, जिस भी कंडीशन में हो सके, मुझे भी ना सीरियसली, मैं रहती घर में हूँ लेकिन मेरा दिमाग पहाड़ों में रहता है कि घूमने जाएंगे, और जितने भी शिव जी की जगह है ना, वो अभी आपको शायद मतलब मैं बताऊं तो मैंने अमरनाथ जी खुद पैदल की है और केदारनाथ जी भी पैदल ही की है, और अच्छा, बद्रीनाथ में अकेले सोलो ट्रेवल करके आई हूँ। अरे वाह बहुत बढ़िया।
तो बस हाँ, तो ऐसा है अभी सब जब तक चल रहा है तब तक सब कुछ कवर करने की इच्छा है कम से कम सारे जो, और अभी गवर्नमेंट इसकी इजाजत ही नहीं दे रही है ये कैलाश मानसरोवर की, वरना मेरा उसका बहुत मन था। जी जी अभी एक्चुअली क्या है, श्रीगण महादेव जी की यात्रा करने के बाद हमने ये थोड़ा सोचा है कि यात्राएं करवाना और यात्राओं के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, दोनों में से ज्यादा बढ़िया वो यात्रा के बारे में इन्फॉर्मेशन देना है। अगर मैं 7 दिन किसी यात्रा पे जाता हूँ, पर हाँ जो हमारे ग्रुप के लोग हैं या हम लोग हैं, हमने तो यात्राएं करनी है क्योंकि एक एक बार दो दो बार ही जाएंगे और बार बार भी जाना पड़ेगा क्योंकि लेटेस्ट अपडेट क्या हुआ है। तो मैं भी, मेरा जो प्लान है या संस्था का जो प्लान है वो यही प्लान है आगे कि मैक्सिमम भक्तों को यात्रा के बारे में इन्फॉर्मेशन देना ताकि अधिक से अधिक भक्त वहां तक पहुंच पाए, और इन्फॉर्मेशन भी इस तरह से कि जिसमें कि भक्तों को कोई परेशानी ना हो और बिल्कुल क्लियर हो, और उसके बाद कोई ग्रुप बनना चाहे, जैसे हम, मैं अभी मणिमहेश गया हूं, मुझे 3 साल हो गए, पहले मैं 6 बार ही गया हूँ लेकिन अभी 3 साल हो गए। श्रीखंड महादेव भी मैं 4 साल पहले गया था, फिर अब गया किन्ने क्लास, आज से 5 साल पहले गया था, अब अगले साल का प्लान। तो ग्रुप के कुछ लोग हैं जिनका जाने का मन है, तो हम ग्रुप बीच में बनाया करेंगे यात्राओं का और यात्राओं पर जाएंगे। पर अभी मेन जैसे एटलीस्ट आपके साथ एक दो बार तो यात्रा हो ही जाए तो ये सब चीजें, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है घर वालों के साथ, बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता है। और कहीं जाने को बोलो ठीक है, बट ये जो इतनी टफ टफ यात्राएं होती है वो जिसका एक्चुअल मन होता है वो ही कर पाता है। आपकी यात्राएं मैं पक्का कह रहा हूँ आराम से हो जाएंगी, बस थोड़ा सा अभी मैं भी थोड़ा अभी नए नए धर्मशाला में करता हूं। नहीं अच्छा है, वही आपकी जो धर्मशाला है उसमें आप जो भी करते हो उसमें, जैसे अगर हम आपके एनजीओ के मेंबर बनते हैं तो हम भी कुछ सहयोग तो कर ही सकते होंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल, संस्था सब भोले बाबा का ही है और अभी हमने शुरू किया है क्योंकि हम भी अभी यंग जनरेशन के ही है तो हमारे पास था नहीं, पर हमने शुरू किया कि हाँ भाई हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे सेवाएं करेंगे, ऐसे आने वाले टाइम में यात्राएं करेंगे, यात्राओं की इन्फॉर्मेशन देंगे, कुछ अच्छे के लिए सोचा है। पर धीरे 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 अभी करना शुरू किया है, तो मैं आपको दे दूंगा समिति का फॉर्म वगैरह और आप उसका करके 100 आप बिल्कुल दे दीजिए भैया, बिल्कुल, क्योंकि मुझे जुड़ना ही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सब। और मैं बहुत ज्यादा आज एकदम वंडर थी कि आपने अपनी जॉब छोड़ के अगर ये सब सोचा है तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब हर कोई के बस की बात नहीं है इतना सोच के विश्वास कर लेना। और एक बार आपने उसमें अपने वीडियो में आपको ऐसे रातों रात इच्छा हो गई कि अभी किन्नौर कैलाश था या किन्नौर कैलाश जाने की, तो आपने उठाई और वो चले गए वहाँ पर। तो मैंने कहा ये जो इच्छा होती है ना, मतलब आप जुड़ गए हो भगवान से अभी। हाँ, अभी आपकी ऐसे डायरेक्ट जो इच्छा होने लगी है, वरना लोग तो सोचते हैं नहीं सोचते हैं, एकदम ऐसी इच्छा होना कि बस अब तो उठा के जाना ही जाना है, वो बहुत बड़ी बात है। दीदी दोनों में ना, श्रीखंड और किन्नौर कैलाश में ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस में टेबल पे चाय पी रहा था, चलना है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास सिर्फ यूनिफॉर्म पहनी हुई थी मैंने और जो घर से ड्रेस पहने का वो थी, एक हमारी भाभी जी गुड़गांव में, उनको कॉल किया। अच्छा, अच्छा। उन्होंने भैया के सारे कपड़े, सॉक्स, कपड़े और 3 आदमियों के कपड़े, हम 3 लड़के थे, तीनों घर से दूर थे, घर जाते तो पहुंच नहीं पाते, उस टाइम इतना करंट हो गया, उन्होंने पूरा बैग पैक करके भेज दिया और उसी कपड़े को लेके चले गए हम। और 16 दिन फिर सारा, पहले श्रीखंड महादेव की यात्रा बंद होगी, किन्नौर कैलाश की यात्रा बंद होगी, पर ये था कि दर्शन करके घर जाएंगे, फिर वहां से काजा ताबो वो मेरी पूरी सीरीज डली हुई है, फिर हम आगे घूमने चले गए, पूरा घूमते रहे गाड़ी में, फिर हम वहां चले गए ऊपर किब्बर गांव चले गए, फिर जब वापसी में आए तो पता चला यात्रा कल शुरू होगी, तो फिर किन्नौर कैलाश जी के दर्शन करके आए। और श्रीखंड महादेव जी का ऐसे हुआ, बाबा अमरनाथ जी की यात्रा से आया, घर पे लेटा हुआ था, 11 बजे आंख खुली, मैं कहा मैं जा रहा हूँ, तो घर में लड़ाई शुरू होगी, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, यात्रा से मैं कहा जाना है, तो जो गंदे कपड़े थे गंदे कपड़े लेके चला गया मैं, तो वही है जब बालाजी का बुलावा था। पर हाँ, इस तरीके से अटैच हो जाए तो बहुत किस्मत की बात है भैया, मतलब सच में दुनियादारी में इतना दिमाग लगता है और वहाँ एक बार दिमाग लग जाए ना तो इंसान बहुत बहुत, क्योंकि मुझे पता है ना, वहाँ जब मैं सोचती हूँ ये सब यात्राओं के बारे में तो जो मुझे अंदर से खुशी होती है ना वो दुनिया की किसी और काम में नहीं होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, कुछ भी कर लूँ मैं, किसी से भी मिल लूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं रहती MP में हूँ लेकिन मैं हूँ पहाड़ी, ऐसा मुझे अंदर से लगता है। बिल्कुल ऐसे, मैं मणिमहेश गया था तो मेरे पापा ने कहा था घर से निकाल दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, मैं कहा जो करना है करो, अब मैं जा रहा हूँ, ऐसा पागलपन होता है, होता है दिमाग में, मुझे भी मालूम है एक्चुअली में, और फिर वो पागलपन वही समझ सकता है जो और एक्सी के पास होता हो, वरना लोग तो पागल ही समझते हैं, अरे लड़की है कहाँ भटकते रहती है, पागल है कहाँ जाते रहती है, वैसे वाली सिचुएशन हो जाए। दुनिया की बातों को सोचोगे तो फिर तो कुछ नहीं है, पर हाँ ये शुरुआत ही होता है, कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिएगा, बाकी सेवा के लिए आप मुझे पूछते रहिएगा, और दीदी भी सेवा करती है, कोई ऐसी सेवा होगी तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, आप बताइए और मुझे आप फॉर्म दीजिए। अच्छा एक चीज पूछनी थी, ये जो कैलाश मानसरोवर है आपको उसका कुछ आइडिया है क्या कि ये यात्रा बंद हो गई है, चाइना ने कब से शुरू करेगा या करेगा कि नहीं? आइडिया है, वो शुरू जल्दी होगी पर वो महंगी यात्रा है,
तो हमारा प्लान ये था। हाँ, वो तो महंगी तो है, वो वंस इन अ टाइम है, वंस इन अ लाइफ टाइम। मतलब मुझे तो पूरे प्रॉपर्टी देखी मेरे पास जो भी है ना, वो देखे भी एक बार करने मिले तो मैं एक बार तो करूंगी, उसके बिना मरूंगी तो नहीं, इतना पक्का है। वो यात्रा जल्दी शुरू होगी, पर अभी शुरू नहीं होगी, अभी डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है ये पीओके वगैरह का ना, तो एक साल तो मान के चलिए। पर जब भी होगी तो हमारा प्लान ये है कि हम खुद से जाके ना सारा देख के आएंगे, जिसमें की 60,000 में भी यात्रा हो सकती है, जो 1,20,000 1.5 लाख रुपए लेते हैं ना। नहीं नहीं भैया, वो तो चाइना जो है वो वीजा फीस लेती है ना, उसका पैसा लगता है, वो कम में कैसे होगी। नहीं, उसका बताया था हमें किसी ने जो गए थे ना, इसमें जो साउथ ईस्ट लोग जाते हैं उनका खर्चा कम ही होता है, उसमें इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं होती, इतनी फैसिलिटी भी नहीं है, अपना कन्वेंस वगैरह ये सारा खुद प्रॉपर बुक करके जाएंगे तो इतनी दिक्कत होती नहीं है। मुझे लगता था चाइना एंट्री फीस ही लेती है 1.5 लाख, तो उसके बाद जो बचता है वो 35 से 40 हजार रुपए होता है वो, उसके अलावा आपके होटल का ये सब होते हैं तो मैनेज हो सकते हैं। तो हमारा प्लान ये है कि मिनिमम में कैसे हो सकती है, तो उसके बारे में फिर हम बनाते हैं। अगर जाते तो अगली बार आप बताते पक्का। जरूर 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 जरूर, ठीक है जी। ठीक है भैया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप मुझे प्लीज वो फॉर्म दीजिए मेरे मैसेज पे, मैंने आपको मैसेज किया है, मुझे मैं तुरंत करके आपको देती हूँ। उसमें लिख दीजिएगा मुझे समिति का मेंबर बनना है तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। हाँ 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 ठीक है, मैंने अभी आपको वैसे व्हाट्सएप तो किया है कि मुझे जब फ्री हो तो कॉल कीजिए, मैं उसी में वही मैसेज में आगे ही डाल देती हूँ कि समिति का मेंबर बनना है। ठीक है जी, ठीक है भैया, थैंक यू सो मच।